तो जैसे कि आपने लास्ट दो व्लॉग में देखा, हमने कोटा आपको एक्सप्लोर कराया, राजीव गांधी एरिया, फिर महावीर नगर, इंदिरा विहार, तलमंडी साइड। अब इस व्लॉग में हम जवाहर नगर एरिया कवर कर रहे होंगे, तो ऐसे मजेदार व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब मान लो। चलिए शुरू करते हैं। What's up guys, this is Zubair Akhtar and you are watching Zubair Akhtar Vlog. चलिए शुरू करते हैं। सो आपने पिछले दो व्लॉग्स में देखा कि हमने पहले आपको दो एपिसोड्स में कोटा का टूर कराया, ये तीसरा एपिसोड है जहाँ पर हम जवाहर नगर का आपको टूर करा रहे होंगे। हॉस्टल, पीजी, मेस, इनके बारे में भी आपको बता रहे होंगे। तो अगर पहले दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाके चेकआउट मार सकते हो यारो। और चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो इस टाइम हम जवाहर नगर एरिया में, और आप पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं एलन की, समुन्नत बिल्डिंग। और यहाँ पर जो है तीन बिल्डिंग है मेनली, पहला है सत्यार्थ वन, सत्यार्थ टू और समुन्नत। तो तीन बिल्डिंग यहाँ पर है, और ये तीसरी बिल्डिंग है आप देख सकते हैं पीछे व्यू में, आपका सिनेमैटिक शॉट इसके दिखा दूंगा। सत्यार्थ टू और सत्यार्थ वन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद फिर हम बात करते हैं पीजी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये कुछ यहाँ पर है। ये है सत्यार्थ वन और इस साइड है सत्यार्थ टू, और ये मेन जवाहर नगर एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप्स हैं, सब कुछ है। एक राउंड दिखाओ, तो ये कुछ है देखो। तो अभी आपने देखा जैसे कि हमने आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाए और थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाया है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल की, क्या यहाँ पर हॉस्टल किस रेंज से स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो है 7-8 हज़ार से हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं, आपको मेन रोड पे हॉस्टल्स मिल जाएंगे 7-8 हज़ार से स्टार्ट। और हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है ये आपको पता है, नहीं पता तो बोल देना यार, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो हॉस्टल आपको यहाँ पर इस रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन मेरे कहीं भाई बहन जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो मुझे बोलते हैं पीजी दिखाओ भैया, पीजी पीजी पीजी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरिया से तो हमारी खास दोस्ती है, क्योंकि हमने इसी साल यहाँ पर इतने लोगों को पीजी प्रोवाइड कराया है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, चीपेस्ट में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल रूम हमने ना 2800 रुपीज़ में अवेलेबल कराए हैं स्टूडेंट्स को। उनका रिव्यू मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट हमने प्रोवाइड कराया है। मैं आपको थोड़ा सा रूम के शॉट दिखा दूंगा कैसे पीजी रूम्स हमने अवेलेबल कराए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पीजी रूम चाहिए ना, तो थोड़ा सा आपको 500 मीटर चलना पड़ सकता है। 500 मीटर की डिस्टेंस में आपको हम एक बहुत ही अच्छा पीजी दिला सकते हैं। अगर आपको चाहिए या पीजी के बारे में कुछ भी पूछना है, आप हेल्पलाइन नंबर जो मैंने दे रखा है ना, वहाँ जाके पूछ सकते हो कुछ भी, जो भी आपको पूछना है। तो यहाँ पर पीजी हम बहुत ही अच्छे आपको दिला सकते हैं। ये तो एरिया बिल्कुल खास है, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको पीजी इजीली। और मेस जो है वो मेस, एक दो मेस आपको दिखाते हैं बाहर से। मेस भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भी मेस हैं, एवरेज मेस भी है, और जैसा आप मेस ज्वाइन करना चाहें वैसा आपको यहाँ पर अवेलेबल है। हर बजट वालों के लिए यहाँ मेस अवेलेबल है। टिफिन्स की जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ अवेलेबल है। तो ओवरऑल जो एरिया है ना, वो बहुत ही बढ़िया है जवाहर नगर। आप देख सकते हैं साइड में जगह जगह आपको पार्क्स मिल जाएंगे, गार्डन्स टाइप, ठीक है, छोटे छोटे। तो और बिल्कुल शांत एरिया है, देखो आप, बिल्कुल शांत एरिया। तो ऐसे आप एरिया में अगर पीजी लेंगे बढ़िया मिलता है, और हम जो है प्रोवाइड करा रहे हैं चीपेस्ट में। सो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलेंगे एक और नए फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियो अगर देखनी और इस शक्ल को बार बार देखना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब मारो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। शेयर करें उन फ्रेंड्स को जो कोटा आना चाहते हैं या वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।